दोस्तों 2020 होने वाला है डेक्सटर जैक्सन के कंपटीशन ईयर का फाइनल ईयर। जैसे हम जानते हैं कि रिसेंटली उन्होंने पब्लिश किया था कि 2020 का मिस्टर ओलंपिया उनके लाइफ का आखिरी कंपटीशन होने वाला है। अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस जो कोविड-19 के चल रहे हैं पूरे ऑल ओवर द ग्लोब, 2020 ओलंपिया कवरेज होता भी है नहीं या अलग बात है, लेकिन ये कंफर्म है कि 2020 का ओलंपिया होने वाला है डेक्सटर जैक्सन का फाइनल ओलंपिया। और इसीलिए आज हम कंपेयर करेंगे डेक्सटर जैक्सन का सबसे बेस्ट ईयर यानी कि उनका 2008 का विक्ट्री, जब उन्होंने 2008 में अपना पहला मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता था, और 2009 में उन्होंने जब कम्पीट किया था 2019 में जब उन्होंने कम्पीट किया था। सो 2019 के डेक्सटर जैक्सन और 2008 के डेक्सटर जैक्सन में कितने डिफरेंसेस हैं, कितने उनके फिजिक में बदलाव आए हैं, कंपेयर करेंगे आज के वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। Won't you come and see what it's like? Living by the rules that you write. You ain't not those lavish delights. Now you had no back in sight. All the little lies you recite just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. So, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अर्शन मुदिराज और मैं अपने चैनल पर देता हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की इन्फॉर्मेशन, एथलीट के बारे में इन्फॉर्मेशन, एथलीट की बायोग्राफीज, कंपेरिजन, रिव्यूज एंड अपडेट्स। तो अगर आपको इसी तरह का वीडियोस देखना है, कंटेंट देखना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक सब्सक्राइब का आइकॉन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब आइकॉन आप क्लिक करेंगे तो जब भी मैं कोई नई वीडियो YouTube पे अपलोड करूँगा तो YouTube आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम पूरा वीडियो देख लेते हैं डेक्सटर जैक्सन 2008 वर्सेस डेक्सटर जैक्सन 2019 की। ऑल सारे सात मैंडेटरी पोजेस को कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ऑल राइट, व्हाट्सअप गाइज। सो वीडियो की कंपेरिजन स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। बहुत लोगों को पता ही है कि ये साल 2020 का साल डेक्सटर जैक्सन का फाइनल मिस्टर ओलंपिया होने वाला है। सो हाल ही में बॉडी बिल्डिंग के मिस्टर ओलंपिया के चैनल ने उनके साइट के ऊपर ये एक आर्टिकल लॉन्च किया था जहाँ पर दिखाया भी गया है, आप पढ़ सकते हैं कि ये साल का अर्नोल्ड क्लासिक जो कोलंबस में हुआ था और इस साल का मिस्टर ओलंपिया डेक्सटर जैक्सन का फाइनल बॉडी बिल्डिंग शो होने वाला है। लेकिन अब कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है कि क्या इस साल मिस्टर ओलंपिया होगा भी या नहीं। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जहाँ पे मैंने इम्पैक्ट जो है कोरोना वायरस का ऑल ओवर बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को मैंशन किया है, आप मेरा वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पोज बाय पोज डेक्सटर जैक्सन को कंपेयर करते हैं 2008 की उनके ओलंपिया विक्ट्री और आज 2019 में उनकी फिजिक में कितना चेंज हुआ है। सो फर्स्ट फोटो गाइस, सेवन मैंडेटरीज को मैं आज मेंशन करने वाला हूँ और सातों मैंडेटरीज को पोज बाय पोज साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। नाउ माइंड यू कि जितने भी फोटोज यहाँ पे जो मेंशन कर रहा हूँ वो मैंने मसल म्यूटेंट के यूट्यूब चैनल से लिए हैं। सो थैंक यू मसल म्यूटेंट जो आपने एक सेपरेट वीडियो बनाया है डेक्सटर जैक्सन के ऊपर। अगर आपको गाइस सिर्फ कंपैरिजन देखना है, सिर्फ फोटोज़ देखना है तो आप मसल म्यूटेंट के चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक्सप्लेनेशन भी देखना है, आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी देखना है हर एक बॉडी पार्ट का, तो आप इसी वीडियो पे बने रहिए एंड तक और हम इस वीडियो में सारे पोजेस को कंपेयर करेंगे। सो स्टार्ट का पोज आप देख ही रहे हैं कि फ्रंट रिलैक्स्ड पोज है। सो 2019 और 2008 का पोज है। सो जो गाइस, मैं अपने चैनल पर काफ़ी बात करता हूँ मसल मैच्योरिटी के बारे में और कंडीशनिंग के बारे में। वेल, कंडीशनिंग एक ऐसा फैक्टर है जो डेक्सटर जैक्सन ने आज तक कभी नज़रअंदाज नहीं किया। 2019 में आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग लेके आए थे, लेकिन जो मसल मैच्योरिटी है आप देख सकते हैं कि इवन आप उनके चेस्ट के मसल देख सकते हैं, स्पेशली अपर चेस्ट काफ़ी वीक हो गया है जो आप 2008 की फ़ोटो में देख रहे हैं। इवन उनका जो मिड सेक्शन है, उनके एब्स है, ऑब्लिक्स है, आप देख सकते हैं कि जो लोअर उनके एब्स है वो काफ़ी एक ब्लर आउट लग रहे हैं, फ्लैट लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 2008 का फोटो। और थोड़ा बहुत उनके एब्स में थोड़ा सा सेपरेशन भी आ गया है। ऑफ कोर्स अगर आप इतने स्टेरॉइड साइकिल चलाते हैं ऑल ओवर दिस ईयर और इतनी ओवर ईटिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है इतना तो 19-20 का फ़र्क ज़रूर आ जाता है। और याद रखिए कि ये 10 साल पहले की फ़ोटोज़ हैं, यानी कि 2008 से 2019 काफ़ी आपके फिजिक में चेंजेस आएंगे और ये एक नॉर्मल बात है बॉडी बिल्डिंग के करियर में। नॉर्मल ये नहीं है कि डेक्सटर जैक्सन ने आज भी अपने लॉन्जिटिविटी को कैसे मेंटेन किया है, ये सिर्फ डेक्सटर जैक्सन ही जानते हैं। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो 40 प्लस होने के बाद बॉडी बिल्डिंग से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन डेक्सटर जैक्सन को देखिए, आज 50 साल के हो चुके हैं लेकिन फिर भी
मिस्टर ओलंपिया के टॉप 5 बॉडी बिल्डिंग में आज भी उनका नाम आ रहा है और शायद क्या पता 2020 का ओलंपिया में भी एक अच्छी प्लेसिंग ले आए। सो नेक्स्ट पोज पे चलते हैं। नेक्स्ट पोज है फ्रंट डबल बाइसेप्स। सो फ्रंट डबल बाइसेप्स आप देख सकते हैं कि साइड बाय साइड जो उनके एक ओवरऑल फिजिक है, ओवरऑल पोज है, वो उन्होंने आज तक चेंज नहीं किया। जो राइट साइड की फ़ोटो है वो है 2008 की फ़ोटो और जो लेफ्ट साइड की फ़ोटो है वो है 2019 की फ़ोटो। उनके बाइसेप में आप देख सकते हैं कि एक अलग सा पीक आया गया है। अगर आप 2008 की फ़ोटो देखें तो वहाँ पे उनके बाइसेप्स थोड़े से फ्लैट लग रहे थे, लेकिन 2019 की फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पीक लाया है, यानी कि अपने डेक्सटर जैक्सन ने ऑल ओवर दिस ईयर्स अपने बाइसेप के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन उसी तरीके से जैसे मैंने पहले फ़ोटो में आपको दिखाया था कि उनकी चेस्ट मसल्स की मैच्योरिटी काफ़ी डिग्रेड हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो उनके पेक्टोरियल्स है, अपर चेस्ट है, काफ़ी एक लग रहा है कि अभी एक डाउनग्रेड चालू हो गया है। जो उनका प्राइम था 2008 में वो अब कहीं ना कहीं डिक्रीज होना चालू हुआ है। उनके क्वाड्स आप देख सकते हैं, क्वाड्स में भी जो एक फ्लो था वो फ्लो अभी डेक्सटर जैक्सन के लेग्स में नहीं है। डेक्सटर जैक्सन को काफ़ी बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनके कैफ के लिए, क्योंकि उनके कैफ के मसल मिस्टर ओलंपिया लेवल के नहीं है, ऐसा बहुत लोग का मानना है। लेकिन मैं ये नहीं मानता गाइस, क्योंकि सिर्फ कैफ मसल होने से आप मिस्टर ओलंपिया नहीं बनते, आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, ओवरऑल एक फ्लो होना चाहिए मसल का, तभी जाके कोई बंदा मिस्टर ओलंपिया बनता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके मिड सेक्शन देख सकते हैं आपकी, जो 2019 में आप देख सकते हैं कि एक सेपरेशन आ गया है मिड सेक्शन में और उनका स्टमक भी काफ़ी फ्लैट लग रहा है। एज़ कम्पेयर टू 2008 में आप देख सकते हैं कि उनका जो मिड सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा क्रिप्स लग रहा है, बहुत ही एक शार्प डिटेल लेके आते हैं और इसी के लिए उनको द ब्लेड डेक्सटर जैक्सन कहा जाता है। नेक्स्ट फोटो में चलते हैं गाइस, फ्रंट लैट स्प्रेड। सो फ्रंट लैट स्प्रेड काफ़ी मैं कहूँगा डिग्रेड हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो मसल राउंडनेस था, मसल सेपरेशन था 2008 में, जो आप राइट साइड की फ़ोटो देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 2019 जो लेफ्ट साइड में है फ़ोटो, उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है। उनका मिड सेक्शन जैसे मैंने कहा काफ़ी ब्लोट हो चुका है एज़ कम्पेयर टू उनके जो मिड सेक्शन 2008 में था। उनके लेग्स में भी डेफिनेशन वो नहीं रही एज़ कम्पेयर टू 2008। आप टीयर ड्रॉप मसल देख सकते हैं जो क्वाड्स में होता है, जो टीयर ड्रॉप मसल भी है आप देख सकते हैं कि 2008 में उस टीयर ड्रॉप मसल में काफ़ी अच्छी सेपरेशन थी एज़ कम्पेयर टू जो आज के डेक्सटर जैक्सन है। नेक्स्ट पोज पे चलते हैं जो है साइड चेस्ट पोज। सो साइड चेस्ट पोज में कहूँगा कि इतना ज़्यादा डिग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनका जो ओवरऑल मास है, जो थिकनेस है ओवरऑल उनकी बॉडी की, वो काफ़ी डिग्रेड हो गई है, साइज़ काफ़ी कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो 2008 में जो उनकी साइज़ थी, स्पेशली आप साइड चेस्ट में उनके आर्म्स को देखिए, साइड चेस्ट के आर्म्स कितने ज़्यादा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू जो आज के उनके आर्म्स हैं। सो ऑफकोर्स उसकी वजह से प्लेसिंग भी हर्ट होगी, लेकिन इस फिजिक को मेंटेन करके रखना ही बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने प्रीवियसली कहा, उनको उनकी कैफ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा। आप देख सकते हैं कि उनके कैफ मसल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है उनके एज़ कम्पेयर टू द ओवरऑल फिजिक। नेक्स्ट पोज है गाइस बैक डबल बाइसेप्स। बैक डबल बाइसेप्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो 2008 में हिट करते थे पोज, उसी तरीके से आज भी वही सेम पोज आज हिट कर रहे हैं। उनके ओवरऑल कंडीशनिंग में ज़्यादा फर्क नहीं आया है एज़ कम्पेयर टू 2008। हाँ ऑफकोर्स एक मसल मैच्योरिटी काफ़ी डिग्रेड हो गई है, लेकिन मसल सेपरेशंस आज भी है। अगर आज डेक्सटर जैक्सन आज भी अगर टॉप 5 में प्लेस होते हैं तो इसका मतलब उनके पास वो कैपेबिलिटी है, आज भी उन्होंने अपने उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को होल्ड किया हुआ है। थोड़ा बहुत अगर आप लोअर बैक में देखिए तो लोअर बैक में थोड़ा सा एक मसल का डेफिनेशन कम हो गया है, थोड़ा उन्होंने शायद वाटर होल्ड किया होगा, पता नहीं, सिर्फ एक फ़ोटो देख के जज नहीं किया सकता। लेकिन यस, एक ओवरऑल जो मसल का साइज़ है, थिकनेस है, जो विड्थ है उनके लैट्स की, वो थोड़ी कम हो चुकी है। उनके ग्लूट्स आज भी उतने ही स्ट्रेटेड है जितने 2008 में थे। हैमस्ट्रिंग भी काफ़ी अच्छे हैं, पील्ड हैमस्ट्रिंग्स है। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा बैक डबल बाइसेप पोज है, लेकिन मसल साइज़ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट पोज पे चलते हैं जो है बैक लैट स्प्रेड। सो डेक्सटर जैक्सन का अगर मैं ये फ़ोटो देख के कहूँ कि सबसे ज़्यादा हर्ट कौन सा पोज हुआ है, तो वो है बैक लैट स्प्रेड। आप देख सकते हैं 2008 और 2019 के मिस्टर ओलंपिया डेक्सटर जैक्सन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं। इनफैक्ट अगर कोई एक अननोन या स्ट्रेंजर देखे और कहे कि ये दोनों एक ही बॉडी बिल्डर की फ़ोटो है या नहीं, तो वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि जो आप राइट में देख रहे हैं 2008 की फ़ोटो, काफ़ी अच्छी एक बहुत ही स्ट्रांग बैक लैट स्प्रेड लेके आए थे।
जो आप मैंने आपको कहा कि जो मसल की जो साइज़ है वो काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है, आप इन दोनों फोटोज़ को देख के जज कर ही सकते हैं। उनके हैमस्ट्रिंग्स थोड़े बहुत अच्छे हैं, ग्लूट्स थोड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो एक ओवरऑल क्रिसमस ट्री इफेक्ट चाहिए, आप देख सकते हैं कि 2008 की फ़ोटो में एक बहुत ही अच्छा लोअर बैक में क्रिसमस ट्री इफेक्ट आ रहा था, लेकिन आज के फ़ोटो में वो क्रिसमस ट्री इफेक्ट चला गया है। आई थिंक एज के साथ ये हो सकता है ऑफकोर्स, लेकिन ठीक है, अगर टॉप 5 में प्लेस होते हैं तो उस हिसाब से डेक्स्टर जैक्सन ने काफ़ी अच्छा होल्ड किया है। इवन उनके आप देख सकते हैं कि जो ट्रैप मसल है, ट्रैप मसल में भी कितनी ज़्यादा थिकनेस थी 2008 में एज़ कम्पेयर टू 2019 में। नेक्स्ट पोज पे चलते हैं गाइज, वो है एब्डोमिनल थाइस पोज। सो एब्डोमिनल थाइस पोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू 2008। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि सिर्फ साइज़ का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप लैथ मसल को देख सकते हैं, लैथ मसल की साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, और उनके जो मिड सेक्शन है, मिड सेक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली थोड़ा और केयरफुली देखें तो आप उनका जो लोअर मिड सेक्शन है, यानी कि एब्स के जो लोअर एब्स हैं उनके, आप देख सकते हैं कि थोड़ा वहाँ पे सेपरेशन आ गया है एज़ कम्पेयर टू 2008 के जो एब्स हैं। और उनका जो मिड सेक्शन है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू 2008 का जो उनका मिड सेक्शन था। डेक्स्टर जैक्सन जाने जाते हैं अपने मिड सेक्शन के लिए, क्योंकि वो अपना मिड सेक्शन कभी भी ज़्यादा ब्लोट नहीं होने देते, वो एक ओवरऑल फिजिक, इसलिए वो जीत जाते हैं, इसलिए टॉप 5 में आज भी प्लेस हो रहे हैं, क्योंकि जो मिड सेक्शन है अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं डेक्स्टर जैक्सन। आप उनके लेग्स को देख सकते हैं, लेग्स में जो एक मसल का जो डेफिनेशन है और मसल का सेपरेशन है थोड़ा सा कम हो चुका है एज कम्पेयर टू 2008। जैसे हमने आपको बताया कि टीयर ड्रॉप और जो उनके क्वाड्स के मसल के सेपरेशन, आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पोज पे चलते हैं, जो है मोस्ट मस्कुलर पोज। सो ये और एक पोज है जो डेक्स्टर जैक्सन को काफ़ी हर्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर उनके ट्रैप मसल को आप 2008 से कंपेयर करें तो साइज़ तो उतनी है, लेकिन जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। उनके शोल्डर मसल भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं, उनके आर्म्स भी काफ़ी स्मॉल लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 2008। आप सिर्फ इन फोटोज़ में मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ आर्म्स तक फोकस रखें। अगर आप आर्म्स देखेंगे तो 2008 में बहुत ही फुल राउंड और मस्कुलर आर्म्स थे, लेकिन आज 2019 में ट्राइसेप आप देख सकते हैं कि ट्राइसेप में बहुत उनकी ज़्यादा वीकनेस आ गई है। क्वाड्स में भी आप देख सकते हैं कि आप क्वाड्स मसल भी काफ़ी लो लग रहे हैं, काफ़ी फ्लैट लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 2008। ये सब पोज मैंने कंपेयर कर दिया है, और जो भी 7 मैंडेटरी पोज थे वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। एंड आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे एज के साथ आपकी मसल साइज़ भी डिक्रीज होती है। ऑफकोर्स आप जब प्राइम में खेलते हैं तो एक मसल मैच्योरिटी होती है, लेकिन एज जैसे आपका बढ़ते जाता है मसल डिक्रीज होती है। लेकिन डेक्स्टर जैक्सन के साथ ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत उन्होंने लॉन्जिविटी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है। सो आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं, और मैं आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन दूंगा आगे वीडियो में। तो जैसा आपने देखा दोस्तों कि मैंने सारे पोजेस को कंपेयर किया, 2008 और 2019 के जो पोजेस हैं उसमें कंपेयर किया, और इसमें से ये हम कंक्लूजन निकाल के ला रहे हैं कि थोड़ा बहुत डेक्स्टर जैक्सन की जो मसल मैच्योरिटी थी और जो मसल का साइज़ था और जो एक मसल की कंडीशन होती है वो काफ़ी डिग्रेड हो चुकी है। क्योंकि यस, अगर आप देखिए 11 साल पहले के डेक्स्टर जैक्सन और अभी के डेक्स्टर जैक्सन में काफ़ी डिफरेंस आ गया है, लेकिन फिर भी डेक्स्टर जैक्सन जाने जाते हैं अपनी लॉन्जिविटी के लिए, और जिस तरीके से आज वो 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर ओलंपिया जैसे कॉम्पिटिशन्स में टॉप 5 में वो प्लेस हो रहे हैं। तो डेक्स्टर जैक्सन को हम पूरा हमारे विशेस देते हैं 2020 मिस्टर ओलंपिया के लिए, क्योंकि मोस्ट रिस्पेक्टेड चैंपियन है, टोटल 29 प्रोफेशनल विंस है डेक्स्टर जैक्सन के पास, जो सबसे ज़्यादा है आज किसी भी बॉडी बिल्डिंग एथलीट के पास, किसी भी IFBB प्रो के पास, और उस 29 विंस में टोटल रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5 अर्नोल्ड क्लासिक विंस भी है। तो डेक्स्टर जैक्सन एक अलग रिस्पेक्ट ओन करते हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में। एंड ऑफकोर्स मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूँ डेक्स्टर जैक्सन का, डेक्स्टर जैक्सन की लॉन्जिटिविटी का। एंड आई होप कि काश हम डेक्स्टर जैक्सन को 2020 की मिस्टर ओलंपिया में एक बार एटलीस्ट लास्ट टाइम देख पाए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप ही की तरह कि 2020 का ओलंपिया हो, अगर लाइव स्ट्रीम होता है तो अच्छी बात है, तो हम डेक्स्टर जैक्सन को लाइव देख सकते हैं। अमेजॉन प्राइम के ऊपर मिस्टर ओलंपिया स्ट्रीम करता है। सो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में डेक्स्टर जैक्सन के साथ। ये थी मेरी कंप्लीट वीडियो 2008 डेक्स्टर जैक्सन वर्सेस 2019 डेक्स्टर जैक्सन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी इंटरेस्टेड है इसी टॉपिक में, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई एम हर्षल मुदिराज, पीस आउट, साइनिंग आउट।